राज्य में एक सभापति होता है और एक उपसभापति। सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये ही सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, पर एक प्रोटेम चेयरमैन भी होता है। दोनों के ना रहने पर वही सदस्यों को शपथ दिलाता है। पर भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि प्रोटेम चेयरमैन ने सदस्यों को शपथ दिलाई थी, और वो चेयरमैन थे बाबू बनारसी दास। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास सीरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का में। आज के इस एपिसोड में हम आपको यूपी के एक साल से भी कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे बाबू बनारसी दास के बारे में बताएंगे, जिन्होंने बिना तामझाम अपनी सरकार चलाई। वह पहले ऐसे सीएम थे जिन्होंने सरकारी कोठी की जगह निजी आवास में रहना पसंद किया, और लखनऊ के कैंट इलाके में स्थित अपने घर से ही उन्होंने तमाम बड़े फैसले लिए। उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए खूब संघर्ष किया और तमाम सितम झेले। मात्र 16 की उम्र में बाबू बनारसी दास ने अपने गांव में कन्या पाठशाला लगाई थी, जिसमें वो खुद पढ़ाते थे। उसी वक्त गांधी जी की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने छुआछूत मिटाने की कसम खा ली। इसके चलते गांव तो गांव, इनके परिवार ने भी इनका बहिष्कार कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अतरौली गांव में 8 जुलाई 1912 को बाबू बनारसी दास का जन्म हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही 15 वर्ष की उम्र में वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। 1928 में नौजवान भारत सभा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बने थे। 12 सितंबर 1930 के गुलावटी में एक भयानक कांड हो गया था। बाबू बनारसी दास की नेतागिरी में गुलावटी में एक विशाल जनसभा आयोजित हुई थी। ये शांतिपूर्ण थी, लेकिन पुलिस ने उस पर हमला कर 23 राउंड गोली चला दी। इस गोलीकांड में आजादी के 8 दीवाने शहीद हो गए थे। इस कांड में पुलिस ने करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार किया और 45 लोगों पर मुकदमा चला। बनारसी दास ने साल 1936 को विद्यावती देवी के साथ शादी की। 1946 के विधानसभा चुनाव में वो बुलंदशहर से निर्विरोध चुने गए थे। इसी साल वे बुलंदशहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने थे। प्रशासन को लेकर इनके कुछ और काम अच्छे रहे हैं। 1946 में कालाबाजारी के चलते यूपी में बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, पर बुलंदशहर में बनारसी दास ने लोगों से बात कर सारा इंतजाम कर रखा था। बाकी जगहों जैसा माहौल यहां नहीं बना, फिर तो यूपी की राजनीति में बराबर बने रहे। कहते हैं भारत की आजादी के लिए संघर्ष के दौरान बुलंदशहर जेल में बंद रहे बनारसी दास को जेलर ने जामुन के पेड़ पर बांध कर तब तक मारा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गए थे। बनारसी दास ने जेल में भी पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी थी। इसी दौरान वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और अब्दुल गफ्फार खान समेत तमाम चोटी के नेताओं के संपर्क में आ चुके थे। इसके बाद ये राजनीति में ऊपर ही बढ़ते गए। 1962 से 1966 के दौरान बाबू बनारसी दास उत्तर प्रदेश के सूचना, श्रम, सहकारिता, बिजली और सिंचाई के अलावा संसदीय कार्य मंत्री रहे। इन सभी विभागों में उन्होंने कई नई योजनाएं शुरू की। सूचना विभाग ने उनके निर्देश पर जिलावार स्वाधीनता सेनानियों का विवरण खोजकर प्रकाशित किया। फिर आईटीआई में लगवाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। फिर वो वक्त भी आया जब इनको यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। रामनरेश यादव के जाने के बाद यह 28 फरवरी 1979 से 18 फरवरी 1980 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1979 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए आवंटित सरकारी कोठी 4 कालिदास मार्ग में रहने से इनकार कर दिया। कैंट स्थित अपने मकान में ही उन्होंने रहना पसंद किया। बाबू बनारसी दास का देश की आजादी में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। बाबू बनारसी दास की संगठन क्षमता मजबूत थी। कांग्रेस में वो जमीनी स्तर से लेकर रणनीति बनाने तक में शामिल रहे। इस तरह उनके पास जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम करने का अनुभव था।
60 के दशक में बनारसी दास की राजनीति का लोहा सबको मानना पड़ा। वहीं 1980 के विधानसभा चुनाव में बनारसी दास को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद 1984 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और अगले साल 3 अगस्त 1985 में 73 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन अपने बेबाक अंदाज के चलते उन्हें राजनीतिक रूप से आज भी याद किया जाता है। खैर, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे यूपी के एक और नए मुख्यमंत्री की नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।